संभल में एनएच पर एक हिरण की मौत हो गई है। कयास है कि किसी वाहन की चपेट में आकर हिरण की मौत हो गई है। कई घंटों बाद भी वन विभाग ने हिरण की सुध नहीं ली। हिरण का शव एनएच पर पड़ा हुआ है। आपको बताते चलें कि हिरण की मौत का पूरा मामला धनारी थाना इलाके में एनएच 509 पर भकरोली का है, जहां हिरण की मौत हो गई है। कयास है कि कोई तेज रफ्तार वाहन रोड पार कर रहे हिरण को टक्कर मारकर चलता बना, जिससे हिरण की मौत हो गई। संरक्षित प्रजाति के हिरण की मौत के घंटों बाद भी वन विभाग ने हिरण की सुध नहीं ली। हिरण का शव मौके पर पड़ा हुआ है। अलबत्ता डीएफओ ने विधिक कार्यवाही की बात कही है। नाम बेटा आपका? गोपाल। कहाँ रहते हो गोपाल तुम? भकरोली। भकरोली, हिरण मरा है, देखो यहाँ सामने, देखो ये हिरण मरा है। हाँ। हिरण पड़ा हुआ, ये कब मरा है किसी को जानकारी आप लोगों को पता है क्या? नहीं नहीं मालूम। तो आप कहाँ जा रहे थे, खाना लेके? नहीं, पानी लेके आए हैं, खेत में जा रहे हैं। ठीक है। मैं देवेंद्र चतुर्वेदी, डीएफओ संभल। सर, अभी एक हिरण हाईवे पर पड़ा हुआ है और सड़क दुर्घटना में हो सकता है उसकी मौत हुई है, सर क्या है पूरा मामला? इसमें यहाँ पर खेतों में काफ़ी हिरण हैं, आजाद घूमते हैं बकरियों वगैरह के साथ, जानवरों के साथ में। उसमें संभवतः कोई आ गया होगा, इसके हम लोगों ने साथ भेजा है, इसके हम लोग जाँच करवा रहे हैं और पशु चिकित्सक पोस्टमार्टम वगैरह करा के जो भी विधिक कार्रवाई होगी उसको हम लोग पूरा तत्काल करेंगे।